प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना क्रियाकलाप का चौथा प्रश्न करेंगे और यह हम कहेंगे यह वचन पर आधारित, एक वचन या बहुवचन उस पर आधारित ये प्रश्न है। और इसमें हमें दो विकल्प दिए हुए हैं, शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों दिए हैं। हमें सही वचन का चुनाव करते हुए जो है वाक्य को पूरा करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न से। प्रश्न 4, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। उचित शब्द से वाक्य पूरे करो, क भाग है। ग्रीक स्थान मेज पर है, मेज पर है। तो पहले हम इसके वाक्य लिख लेते हैं, फिर एक साथ करेंगे विकल्प। इसमें दो दिए हैं, पुस्तक, दूसरा विकल्प है पुस्तकें। पुस्तक एक वचन है, आपको पता ही है, और पुस्तकें जो है वो बहुवचन है। तो हमें इसी तरह पहले मैं वाक्य लिख लेता हूँ। मैं अध्यापक पढ़ा रही हैं, मैं अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विकल्प है कक्षा, एक वचन है कक्षाएं। हम तीसरे पे चलते हैं। हमारा जो तीसरा विकल्प है वो है ग भाग, पक्षियां, पक्षियां, वृक्षां, पर, बैठी हैं, बैठी हैं। विकल्प है शाखा और शाखाएं, शाखा और शाखाएं। घर की शान होती है, घर की शान होती है, बेटी, बेटियां। मनुष्य के मनुष्य की दो
होती हैं। आँख आँखें, आँखें एकवचन, आँखें बहुवचन। तो बच्चों ये पांच वाक्य दिए थे और हमें इनके साथ विकल्प भी दिए होंगे। पहला जो शब्द है वो एकवचन है, दूसरा जो है विकल्प वो है बहुवचन। हमें सही का चुनाव करना है, सही वचन का वाक्य के अनुसार। तो शुरुआत करते हैं अपने वाक्य। ये है मेज पर है, तो है से हमें क्या पता चलता है? है से पता चलता है कि जो है यहाँ एक वचन वस्तु है। वस्तु क्या है यहाँ, संज्ञा क्या है यहाँ पे? एक वचन है। तो एक वचन कहाँ है? पुस्तक, पुस्तक है, तो बहुवचन है। पुस्तक लिखेंगे हम, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। रिक्त स्थान में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक कहाँ पढ़ा रहे हैं? इधर हैं, ये सम्मान के लिए किया गया है, तो इसलिए कोई बहुवचन ना समझ ले। तो अध्यापक जो है एक वचन है यहाँ पे, संज्ञा एक वचन है। तो कक्षा, हम कक्षा लिखेंगे एक साथ। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हैं तो सम्मान के लिए लगाया गया है। आपको पता है सम्मान देने के लिए बहुवचन प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लेकिन एक वचन, कक्षा एक वचन ही रखा जाएगा। पक्षियाँ रिक्त स्थान पर बैठी है, बैठी है, तो यहाँ पे क्या होगा? बैठी है एक वचन होना चाहिए, शाखाओं नहीं होगा, शाखा। पक्षियां शाखा पर बैठी है। उसी तरह घर की शान होती हैं, घर की शान होती हैं क्या? बेटियां। बेटियां घर की शान होती हैं, बहुवचन का हमने प्रयोग किया। मनुष्य की दो होती हैं क्या? आंख तो एक वचन है, आंखें लिखेंगे। आंखें, तो ये हमारा चौथा था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। एक बार इसको दोहरा देते हैं फिर से। पुस्तक मेज पर है, तो हम एक वचन का हमने चुनाव किया यहाँ पे, पुस्तक। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कक्षा एक वचन। पक्षियां शाखा पर बैठी हैं, यहाँ पे भी शाखा एक वचन। बेटियां घर की शान होती हैं, बहुवचन। मनुष्य की दो आंखें होती हैं, यहाँ पे भी बहुवचन। पांचवा है सर्वनाम पे आधारित है ये, तो हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है ये है पांचवा, और पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्न वाक्यों में सर्वनाम भरो। तो यहाँ जो वाक्य हमें दिए गए हैं, इसमें हमको सही सर्वनाम से इस वाक्य को पूरा करना है। तो ध्यान से देखेंगे हम इसमें कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे और वाक्य को पढ़ेंगे। तो ये हमारा पांचवा है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम भरो। निम्न वाक्यों में, निम्न वाक्यों में सर्वनाम भरो। तो सर्वनाम से हमें भरना है, और हमारे पास एक एक करके हम चलते जाते हैं और सही सर्वनाम का प्रयोग भी करेंगे। रिक्त स्थान कल आऊंगा,
तो ये तो यहाँ पे सर्वनाम लगाया, मैं कल आऊंगा। कुछ वाक्यों में एक से अधिक सर्वनाम भी लग सकते हैं, मैं वो बता दूंगा। तो ये है मैं कल आऊंगा, तो यहाँ पे आऊंगा तो केवल मैं ही लगाया जा सकता है, वह या यह नहीं लगाया जा सकता। तो मैं एक वचन है, दूसरा है ख, हमारा ख है, रिक्त स्थान कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो हम कल मिलेंगे, बहुवचन है मिलेंगे, तो हम कल मिलेंगे। अगला है तीसरा, ग, कल आ जाना, कल आ जाना। तो एक वचन की बात हो रही है और अपने से छोटे को बोला जा रहा है, तो तुम कल आ जाना। रिक्स्थान कब आएंगे, कब आएंगे। आएंगे सम्मान बोधक है, मतलब अपने से बड़े से या ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति से बात करें तो आप कब आएंगे। यहां तुम नहीं लिखेंगे क्योंकि सम्मान पूर्वक है, यहां पे आप। रिक्सान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वाक्य पढ़ते ही हो गया कि किसी एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्या कर रहा है। और तो तुम नहीं लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं, वह क्या कर रहा है। चौ है, एक सन हंस रहे थे, हंस रहे थे से क्या पता चला कि बहुवचन के लिए हंस रहे थे, तो वे हंस रहे थे, या हम भी लिख सकते हैं हम हंस रहे थे, या वे, बहुवचन के लिए हम इधर वे लिखेंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला वाक्य है, मैं कल आऊंगा, दूसरा है हम कल मिलेंगे, फिर है तुम कल आ जाना, आप कब आएंगे, वह क्या कर रहा है, वे हंस रहे थे। तो ये थे हमारे, तो मैं आगे चलता हूँ। छ, इसको मिटा देता हूँ। छ है, रिक्त स्थान से शुरुआत है, नाम सुरेश है, नाम सुरेश है। तो यहां यार ध्यान से देखिएगा, उसका नाम सुरेश है ये भी लिख सकते हैं, या वो, यहां पे मेरा नाम भी लिखा जा सकता, दोनों ही सही है। उसका नाम सुरेश है या मेरा नाम सुरेश है, तो हम कोई एक लिख सकते हैं। मैंने लिखा उसका,
उसका। फिर है ज, क्या नाम है तो हम इसको यहां भी उसका लिख सकते हैं, उसका क्या नाम है, यहां लिखेंगे उसका, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां पे लिख देते हैं मेरा, तभी भी सही रहेगा क्योंकि दोनों अलग भी हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मेरा। उसका भी गलत नहीं था लेकिन हमने जान के अलग लिखने के लिए इसे बदल दिया। झ, रिक्त स्थान, तुमसे काम है, तो कहेंगे उसे तुमसे काम है, या मुझे भी यहां कर सकते हैं, मुझे तुमसे काम है तो उसे तुमसे काम है, ये भी सही है। अंतिम है किसे ढूंढ रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं बहुवचन है, तो मैं तो हो नहीं सकता, वह भी नहीं हो सकता, वे हो सकता, वे किसे ढूंढ रहे हैं, वे बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं, वे किसे ढूंढ रहे हैं। अगला है हमारा जो छठा प्रश्न है वो है विशेषण, हमें उचित विशेषण से ये जो चित्र हैं उनको पूरा करना है, तो शुरुआत करते हैं छठे प्रश्न से। हमारा छठा है निम्न चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। और ये है हमारा छठा प्रश्न, हम इसे आज करते हैं, चित्र बने हुए, केवल मैं इसका उत्तर ही लिखूंगा। जैसे पहला है कौवा, उत्तर क्या है, कौवा है काला, काला कौवा। गुण है, फिर दिया है हमें आम, आम है तो पका आम या मीठा आम भी लिखा जा सकता है, गुलाब, गुलाब, तो गुलाब किस रंग का है, लाल, तो लाल गुलाब भी लिख सकते हैं। फिर है बिल्ली, ये बिल्ली बड़ी छोटी सी दिख रही है तो छोटी बिल्ली कह सकते हैं, छोटी बिल्ली। दूसरा है व्यक्ति, व्यक्ति है वृद्ध है, चल नहीं पा रहा है, लाठी लिया है तो हम कहेंगे बूढ़ा व्यक्ति। और है औरत, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सुंदर औरत, विशेषण क्या है, सुंदर औरत। तो एक बार फिर से देख लीजिए, काला कौवा, पका आम, लाल गुलाब, छोटी बिल्ली, बूढ़ा व्यक्ति, सुंदर औरत।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्रियाकलाप पूरा होता है। कल हम अपने 9 से 12 पर आधारित क्रियाकलाप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।